यहाँ पे हमें ये भी देखने को आया हुआ है, ये भी देखने को मिला हुआ है हमें कि चल भाई आ जा, तो खुल भी जाए यार, इसका क्या पंगा क्या है इसका। अब थोड़ा सा सोचो कि Cu+1 है वो ज्यादा स्टेबल होता है गैसियस फॉर्म में, लेकिन जब आप इसको एक्वियस मीडियम में डालते हो, जब आप इसको पानी में डालते हो, तब ये डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है Cu+2 में। तो ये होता है आपका +1, ये होता है 0, और ये होता है +2, समझे आप। तो ये हो जाता है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, यस सर। चलो और गेट आउट। Cu+1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शन क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, अदरवाइज कोई भी अपने आप डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है +1 में से +2। बट आई कैन से +1 में से +2 जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो खुद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला जैसे दो Cu+1 है, ये बोलेगा यार एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन तू ही ले ले, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में और ये हो जाएगा Cu में, समझे आप बात। इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, अपने आप आपस में, नहीं समझे? समझे। तो ये चीज याद रखना। और क्यों ज्यादा होता है स्टेबल Cu+1 से? Cu+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? एक्वियस मीडियम में ही ज्यादा होती है, और ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी ही होती है। ये चीज आप लकीर की तरह लिख लो। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब तक हमने हैलाइड देखे ना, अब हम किसको देखने वाले हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के साथ देखने वाले हैं। अब तक आपने ये देखा ऑक्सीजन के साथ कौन देता है, देखो आप। अब Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है KMnO4 का, यस और नो? 3, 4, 5, 6, Sc2O3, TiO2, V2O5, CrO3, और हम लोग कहाँ तक जा सकते हो? Mn2O7 तक जाएंगे, हाँ या ना। अब जब हम 7 ग्रुप में आगे आए, उसके बाद Fe जो है वो कभी भी Fe2O3 से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से सीधा Fe2O3। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम रहते हैं, हाँ या ना। यस सर, एफई टू और थ्री में एफई का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 होगा ना, हाँ तो +3 तो है, कौन मना कर रहा है? +4 की लाइन में वो देखो। नहीं, बात ये यहाँ पे दोनों आते नहीं होंगे ना, इसलिए उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, समझा तू बात। हाँ, बात ये भी नहीं रखना चाहिए, हाँ इसमें रखना चाहिए +3 में, और एफई का +3 रहता है मोस्टली स्टेबल। हाँ एफई है, अगर सुनो 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 सुनो, एक बात बताऊं, एफई भी आपको दिखेगा, मैं मना नहीं कर रहा, 6 तक जा सकता है वो। FeO4-2 आपको थोड़ी देर के लिए अगर अल्कलाइन मीडियम है तो आपको दिखेगा, लेकिन वापिस वो डिकम्पोज तो इसी में हो जाएगा, आप समझे बात। हेलो, लेकिन वापिस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3+O2, Fe2O3+ क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। ओके, तो मतलब +6 देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी उसकी दिक्कत वाली बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो सर, तो ये बताओ, तो ये V2O5 के अलावा कोई मिलता है? हाँ मिलता है ना, एक मिलता है VO2+। चलो VO2+ में होता है +3 होता है सर, ये तो VO2+ देखो तो कितना है, और VO+2 भी मिलेगा, VO+ VO+2। अब बताओ क्या होता है? ओके, Ti+ यहाँ पे कितना होता है? Ti+4 होता है ना। यस सर, एक बात बताओ, फ्लोरीन से भी कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन एक से ज्यादा जुड़ते हैं और डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो कई बार इसको आप लेके आते हैं, जैसे मैंगनीज में हमने देखा था
तो लास्ट में लास्ट हमें कहां तक मिलता था, MnF4 तक मिला था हमें। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे अभी कि MnF4 तक ही जाता था, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज कैपेबल, ऑक्सीजन इतना कैपेबल है कि ये ऑक्सीजन जो है वो कितना कैपेबल है, तो मैं आपको समझता हूं, समझ सकता हूं कि ये ऑक्सीजन इतना कैपेबल है कि Mn को +7 तक ले जा सकता है, वो किसको, Mn को +7 तक ले जा सकता है। ओके 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 चलो नेक्स्ट रन की बात करें तो अब कौन सी बात करनी हो बताओ। तो सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन क्यों नहीं ले जा सकता। ओके बात ये है ना, सुन बात है ना, Mn के साथ ये डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा और यहाँ पे हर बार वो डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर मोर, तू समझ रही है बात। फ्लोरीन -1 तक करेगा, ये -2 तक करेगा, ये 3 जुड़ गए तो -6 हो जाएंगे, और MnF जुड़ा तो नो डाउट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर 3 जुड़े तब भी क्या होगा, -3 होगा। आप समझी तू बात। यस सर। तो ये मेन दिक्कत होती है। अब Mn जो है हर बार Mn की अगर आप बात करो तो Mn जो है वो सराउंडेड बाय Mn O Mn, अगर Mn 2 O 7 है तब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, Mn O Mn फिर 7 है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप समझ रहे हो बात। हेलो। यस सर। यस सर। तो अब देखो आप अगर Mn 2 O 7 की बात करें तो ऐसा होता है Mn O Mn बॉन्ड मिलता है और इसी की वजह से यहाँ पे 7 तक जा सकते हैं, समझे बात। और दूसरा वो टेट्राहेड्रल होते हैं, जियोमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल होती है। देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता होगा बताओ, समझ रहे हो बात अभी आप। sp3। यस वेरी गुड। ओके अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7, देख लो हो गया ये। हाँ बोलो भाई क्या मतलब। शेटा इतना हो जाता है कि भाई अभी आपने पिज्जा का वो खोला था वेब पेज। अरे भाई तू तो ये देखना है Mn2O7, इस पे फोकस कर नजर। नहीं सर ये आयु है मां, तब मैं सर्च करूं नहीं पहला देखा। अब बात ये बन रही है यहाँ पे आप अच्छे से देखो तो सभी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, लेकिन मुझे इतना कॉमन पता चला कि जो क्रोमियम और मैंगनीज है ना उनकी उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होते हैं। साथ में हायर ऑक्सीडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो F4O है। उसके बाद ये देखा Cu+1 और Cu+2 के बारे में अच्छे से देखा कि Cu+1 एक ही जगह मिलता है Cu2I2, कभी भी Cu I2 नहीं मिलता, वो चीज मैंने अच्छे से देखी। फिर मैंने ये चीज अच्छे से देखी कि Cu+2 की जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्वियस मीडियम में ज्यादा होती है। उसके बाद मैंने Mn2O7 का स्ट्रक्चर पूरा देखा कि किस तरह से वो टेट्राहेड्रल होते हैं और वहां पे जो है वो किस तरह से एग्जैक्टली होता है, ये सब चीज हमने देखी। अब आप इंटेक्स्ट वाला देखो एक बच्चों, तो चलो कोई बात नहीं, वो कल हम लोग दिखवाएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। ओके इसके बाद हम ई सेल की बात करने वाले हैं।
उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो चैप्टर है बहुत इजी है, मेन ये जो दो तीन लेक्चर जो है ना वही संभल जाना है, और उसमें एमसीक्यू वाले पोर्शन अच्छे से दिमाग में फिट कर देने, और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और वो भी जो मैंने समझाया ना मोस्ट टाइम पे वो अच्छे से कर लो, और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना इसमें।